भाई हम लोग नहीं हम मत लो छू मैं नहीं लेवा देता वीडियो पर ये मैं नहीं तो मेरा हाथ आवे हाले हाले मारो हाथ कहीं आ गई है कैमरा 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 चलिए कटिंग कटिंग चलिए सर की कटिंग सच से चाकू वहाँ पे है हम लोगों ने किया है क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं उन्होंने जो काम किया है उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया है उन्होंने लक्ष्मीकांत कायरलाल जी के साथ काम किया है उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो राजा मेहदी अली खान साहब हो मजरू सुल्तानपुरी साहब हो साहिर लुधियानवी जी हो ये जो काम इनका काम जिन्होंने सुना है उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था और उन्होंने वो पहली लाइन में ही जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ किया हमने खैरियत की बात की अब देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज़ धूप उसको उस कभी तेज़ धूप उसका बदन जला ना पाए कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए वो लिहाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना हर घड़ी हर दम हाँ हाँ तू फिक्र उसकी करना उसे खैरियत से रखना तो ये तो अंदाज़े बयां है ये जो दर्जा है ना जैसे हम कह रहे थे कि उत्कर्ष कह रहे थे कि संगीत को लोग आज बहुत हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बहुत वार्तालाप करते हैं लोग कहते कि वो दौर नहीं रहा वो मेलेडी नहीं रही वो पोइट्री नहीं लगी मैं लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप जाके सुने आप खैरियत गाने को सुने इस गाने में वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदी सिनेमा के स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अनिल जी का वो दर्शन था और कादरी साहब जैसे राइटर आए उन्होंने उस गाने को उधर चा दी जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए आई लुक फॉरवर्ड टू दैट कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होके और अपना संगीत कर सकूँ तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है जब तक वो माहौल मेरे साथ है आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उड़ जा काले कावा और मैं निकला की भी बात आई तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना इसको ये प्रार्थना तो आप इसको छेड़ नहीं सकते और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं आप गीत सुन लेंगे आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए वो उसके संगीत में ही नज़र आ जाता है एंड दैट्स वाई इट हैज़ वर्क वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है मैं निकला और बाकी गीत भी तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहे हैं ना लोग आजकल सम्मान आदर इन चीज़ों की बात नहीं करते लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है गदर टू में वो वैल्यूज़ है गदर टू में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है मुझे लगता है वो गदर टू इज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट गदर टू इज व्हाट इंडिया इज भारत की जो सभ्यता है और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज के साथ इसकी म्यूजिक पर भी काम किया 5 जुलाई का दिन था हम लोग गदर टू के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर टू सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया छाता गया